अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और दोस्तों आज हम दिन भर के अपडेट्स लेने वाले हैं। और दोस्तों भरांग केस मामला, जी हाँ दोस्तों, इस पर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और काफी वीडियोस आपने देख रहे होंगे इस समय भरांग केस को लेकर क्या क्या हो रहा है यूट्यूब पर। और दोस्तों 40-45-60-65, और दोस्तों यूपी टेट में अब बीएड वाले भी देंगे प्राइमरी स्तर की टीटी। तो दोस्तों पिछले वर्षों से आपने देखा होगा कि यूपी टेट में बीएड के बच्चे अब यूपी टेट में शामिल हो पा रहे हैं प्राइमरी स्तर का जो पेपर होता है। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक मामले पर आज बात होगी, पहल होगी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का हाईलाइटेड मामला भरांग केस। तो आपने यूट्यूब पर देखा होगा दोस्तों, काफी बच्चों ने भाई इसके लिए कुछ यूट्यूबर का सहारा लिया और मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों देखिए, उनका भी पोस्ट हमने देखा, कुछ बच्चों ने हमें लिंक सेंड किया कि सर एक चैनल है ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या सच है क्या कैसे, तो आप भी एक बार बताइए जरा विस्तार से। तो दोस्तों हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी पर एक बार भरोसा करते हैं तो पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मत करिए। कोई दोस्तों आपसे पैसे नहीं मांगता है, आप खुद जाकर उनको पैसे देते हैं। कोई पर्सनली आपको ना तो किसी ने कॉल की होगी, ना तो आपके आकर आपके घर से आपके हाथ से पैसे ले गए होंगे। तो आपको भी दोस्तों थोड़ा संयम बनाए रखना चाहिए, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं बेमतलब का कुछ भी कहते हैं। तो दोस्तों पहली बात, वो इलीगल कमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं, खाली एक पुलिस कंप्लेन हो जाए तो सोच सकते हैं दोस्तों, जो बच्चे टीचर देखने का सपना देख रहे हैं ना, वो सपना ही रह जाएगा एक कंप्लेन पर। तो आप लोग कुछ भी बोलिए किसी को, तो सोच समझ के बोलना चाहिए दोस्तों, कि सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, कि वो सामने वाले की पोजीशन क्या है। तो आप लोग को भी दोस्तों ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो आप लोग ये देखिए आगे चलकर फंस सकते हैं। काफी बच्चों ने कहा कि सर हमारे पैसे फंस गए हैं, हम क्या करें, हमें लेने या लेना नहीं लेना। दोस्तों आपने हमसे पूछ कर तो दिया नहीं है पहली बात, ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे लेना भी चाहते हैं तो सही तरीके से लीजिएगा। कोई भी गलत तरीका जो आपने, हमने काफी लोग के कमेंट्स देखे, मैसेजेस पढ़े, हमें भी भेजे बच्चों ने कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कुछ भी होता है, यूट्यूब है, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। दोस्तों एक चीज आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब पर, हम नीचे आप जब कमेंट करते हैं तो ऊपर लिख के आता होगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो दोस्तों ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि आप जो भी बोलेंगे यूट्यूब के गाइडलाइंस के अंदर बोलना होता है। मतलब ना तो आप यहाँ पर कोई ऐसी स्पीच बोल सकते हैं जिससे कि किसी कम्युनिटी को गलत लगे। मतलब दोस्तों होता है ना, जैसे यहाँ कैटेगरी चलती है, एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई या जनरल हो गया, तो कोई भी कैटेगरी के बच्चे दूसरी कैटेगरी को कुछ बुरा भला नहीं कह सकते। तो वैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच समझ के बोलना चाहिए यार, काफी बच्चे अपना संयम खो बैठते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत है, आप फंस सकते हैं, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है अगर किसी ने सामने से केस कर दिया आप पर। तो आपको बचकर रहना चाहिए दोस्तों। फिलहाल YouTube पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो करते हैं किसी को WhatsApp पर रिकॉर्डिंग कर करके मैसेजेस आप लोग खेल रहे हैं। काफी बच्चों ने हमें ये कहा है कि सर ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो फिर आप लोग देखे रहिएगा, आप लोग खतरे में पड़ेंगे। आपकी नौकरी सरकारी है और सरकारी में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, आपको पता है। तो जो बच्चे सरकारी नौकरी पाने चाहते हैं लेते हैं, उन्हें बचकर रहना चाहिए। प्राइवेट नौकरी करना है जो मन में आए बोलिए, कुछ भी नहीं होगा, नौकरी कौन सी जाएगी, है ही नहीं नौकरी तो जाएगी कहाँ से, खुद के बिजनेस मैन है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना होता है अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास, तो हमने वीडियोज़ देखी दोस्तों और स्पीच भी सुनी, काफ़ी इमोशनल थी। और दोस्तों देखिए, जो भी उनको धमकी दे रहे हो तो यार ऐसा मत करो, फिलहाल धमकी वमकी देना सही बात नहीं होती है। अगर कोई इंसान आपको बोल नहीं रहा है तो आप उसकी ना बोलने का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। तो सबका एक ग्रुप होता है, हमारे यूट्यूबर का ग्रुप है, हम भी एक यूट्यूबर हैं दोस्तों, ठीक है, टीचर तो हैं, एक यूट्यूबर भी हैं। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे 3 यूट्यूब के बड़े चैनल हैं यूट्यूब पर। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इस चैनल पर भी लगभग हमारे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो स्टूडेंट दोस्तों हमारे, चाहे यूपी टेट के हों, सी टेट के हों, बी टी सी के हों, बी एड के हों, सुपर टेट के हों, हर जगह से दोस्तों स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हैं, सबका एक अपना ग्रुप है। दोस्तों देखिए, हमारे पास सबका एक ही ग्रुप होता है, सारे ग्रुप फुल चलते हैं, हम 2 ग्रुप अब नहीं चलाते, पहले हमने भी चलाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ बच्चे ऐसे आ गए हैं जो ग्रुप के लायक नहीं थे, तो दोस्तों हमने ग्रुप को हटाया है। उसमें से कुछ अच्छे बच्चों का नुकसान हुआ, क्षमा चाहते हैं, दोबारा ग्रुप नहीं बन पाया किसी कारणवश, आने वाले टाइम में दोस्तों बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप को तोड़ते हैं और उसमें दूसरे बच्चों को ऐड करते हैं बेमतलब का, और दोस्तों ये भी इलीगल है।
अगर आपको कोई बिना परमिशन के आकर दोस्तों आपको कोई ग्रुप में ऐड करता है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 1090, इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशान कर रहा है। होता क्या है, कुछ गर्ल्स के नंबर होते हैं दोस्तों, कुछ लड़के जबरदस्ती उनका नंबर दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, उसके बाद उनको एक से अधिक या नए नए बच्चे फोन करके परेशान करने लगते हैं। गलती ग्रुप एडमिन ने की, खामियाजा सभी बच्चों ने उसको तंग किया। काफी गर्ल्स के हमारे पास मैसेजेस हैं, तो हमने दोस्तों तभी उसके बाद डिसाइड किया कि जो हम ग्रुप्स भी बनाएंगे वो गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, या जो बच्चे चाहते कंबाइंड ग्रुप में रहना तो कंबाइंड भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास तीनों ग्रुप बने दोस्तों, चल रहे हैं, आज भी सक्सेसफुल हैं। लेकिन दोस्तों आज भी हम भी कहते हैं, अगर कोई गर्ल्स को, कोई लड़की को, कोई लड़का परेशान करे तो ये नंबर दोस्तों आपको याद होना चाहिए, यूपी में रहते हैं, 1090 नंबर, एक बार फोन करिए, कुछ नहीं होता दोस्तों, सिंपल सी गर्ल्स के लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होती, और लड़के के पास कॉल आ जाएगी भाई, जो बहुत हीरो बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर होती है, ठीक है। तो भाई देखिए, सभी लोग यार यहाँ पर जुड़े हैं, सबको टीचर बनना है, मेन हमारा मुद्दा यही था, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, टीचर बनेंगे मामला खत्म। अब देखिए, हम भरांग केस को लेकर काफी बातें हो रही है, काफी आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे यूट्यूब पर अपडेट्स भी, सभी लोग अपने अपने मन की बातें कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता था, हुआ नहीं, ये होता वो होता। तो दोस्तों देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, देखिए मामला क्या होता है, आप डबल बेंच या लखनऊ हाई कोर्ट में जाते हैं इलाहाबाद, तो हाई कोर्ट दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, आप लोग अगर आप लोग अपने घर के सिंपल, तो जो जिला कोर्ट होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी होते हैं आपने पता होगा, वहां जाइएगा दोस्तों, देखिएगा वहां कितनी मारा मारी होती है। तो आप लोग तो दोस्तों हाई कोर्ट की बात ही छोड़ दीजिए, अगर आपके साथ कोई हेल्प कर रहा है तो वहां इतना आसान नहीं होता दोस्तों, ये आपको भी पहले से बात पता होनी चाहिए। और अगर आप किसी का सपोर्ट करें तो अच्छे से करिए दोस्तों, 100 लोग उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम आपके साथ हैं। तो जो दोस्तों सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे हमें आ रहे सपोर्टर जो है ना, वो इतने अच्छे हैं ना, अगर हम उनसे कुछ भी कहते हैं तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि जो हमारे सपोर्टर है हमारे चैनल के। तो दोस्तों इतने कम टाइम में इतना ज्यादा हम ग्रो ऐसे नहीं कर पाए, इतने आगे नहीं बढ़े, इसलिए नहीं बढ़े कि हम कैसे हैं क्या है, लेकिन जो हमारे सपोर्टर है ना बहुत ही अच्छे हैं, और दोस्तों आज वो एक अच्छी पोजिशन पर भी है। हम बता दें, जो हमारे ग्रुप्स है, तो समझ लीजिए दोस्तों, जो हमारे फ्रेंड सर्किल शुरू होता है ना, तो पहला मेरा दोस्त है जो दोस्तों पायलट बन रहा है इस समय एयर इंडिगो में, ठीक है, और जो हमारा खुद का भाई है उस समय दोस्तों आईआईटी बीएचयू से दोस्तों पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी बीएचयू से पीएचडी के लिए दोस्तों नेट उसने जीआरएफ क्वालिफाई किया था, और जीआरएफ में दोस्तों उसकी रैंक थी ऑल इंडिया में 54, ठीक है, तो हमने कोशिश थी कि नंबर 1 तक पहुंचे, लेकिन चलिए 54 तक आई। फिलहाल वो फिजिक्स से आईआईटी बीएचयू में पीएचडी के लिए अप्लाई किया, चल रहा है दोस्तों, शुरू हो चुका है उनका कोर्स। तो ऐसे दोस्तों हमारे जो ग्रुप शुरू होते हैं, चाहे वो आईआईटीएंस हो, चाहे वो पायलट्स हो, चाहे दोस्तों वो डॉक्टर हो, हमारे जो रूममेट हैं दिल्ली में लोग रहते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर भी लोग रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनसे आप लोग लाइन में लगते होंगे, घंटों लाइन लगती है तब उनसे अपॉइंटमेंट मिलता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए दोस्तों आपको एक अच्छा ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ता है, याद रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अगर आप लोग के साथ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, तो आप लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, हर जगह दोस्तों कोई ना कोई हमारी पहचान मिल जाती है, चाहे वो डॉक्टर लाइन हो, चाहे वो अच्छी एजुकेशन लाइन हो, चाहे जहाज से उड़ना हो, तो हर जगह दोस्तों कोई ना कोई पहचान मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों जो होता है ना, कि आपने सुना उनकी वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा काफी बच्चे में धमकी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सरकारी नौकरी पाने वाले हैं, संभल कर रहिए, नहीं तो आपके साथ ही दोस्तों दिक्कत होगी, किसी और को दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पैसे भेजे हैं तो सही तरीके से ले लीजिए, ऐसी बात नहीं कोई पैसे आपके वापस नहीं करेगा, टाइम दीजिए तो मिलेगा दोस्तों, हमें नहीं पता, हमारे उनसे बात भी नहीं हुई कभी आज तक, ना तो हम दोस्तों किसी को सुने, लेकिन बच्चों ने लिंक भेजा, कहा कि सर क्या होगा, कैसे हो सकता है, बताइए आप भी, भारांग पर थोड़ा अपडेट करिए। देखिए दोस्तों, भारांग जो मामला है ना, ये देखिए भारांग आपको दिया किसने था, ये सरकार ने दिया था आपको, शिक्षा मित्रों को 25 अंक पर ईयर का दोस्तों 2.5 अंक दिए गए। आपको पता है कि आज के दिन हर एक शिक्षा मित्र कम से कम 10 साल की नौकरी कर लिया, 1 साल का उनको नंबर दिया गया 25 2.5 अंक, तो दोस्तों 10 साल का सीधे हो गया 25 अंक का भारांग। तो अब ये हटाना यार इतना आसान नहीं है, इस पर आपने कोशिश की, चलिए दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग 60-65 और 40-45 पर ना, इस मुद्दे से आप मत भटकिए, जल्दी नौकरी पाएंगे आप लोग, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो बच्चे, कुछ बच्चे आए बीएड को हटाने के लिए चल पड़े हैं कि अब बीएड बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं था दोस्तों, पहले से सब डिसाइडेड था कि ये होगा। अगर आप लोग लड़ाई करते कि हम पासिंग मार्क को लेकर लड़ेंगे, या 40-45 हो जाए या 60-65 हो जाए, अब तक आप नौकरी कर रहे होते, आप मुद्दे से भटके, इसलिए आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली है।
तो दोस्तों चलिए खबर पढ़ लेते हैं, छोटी सी आई थी। पिछले साल आयोजित जो आपकी टीटी का पेपर हुआ था, इसमें 18 लाख लड़के मतलब पेपर दिए थे, बच्चों ने आवेदन किया था। मतलब इनमें से प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 11,70,786 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6,12,930 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने जून 2018 में बीएड वालों को शामिल कर लिया था, जिसके बाद बीएड डिग्रीधारियों ने पिछले साल की भी प्राइमरी टीटी दी थी। तो दोस्तों चलिए और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल आज की वीडियो बनाने का हमारे इसका उद्देश्य यही था कि आप लोग गलत चीज़ों से बचें, जो आप लोग गलत कमेंट्स करते हैं, गलत मैसेजेस करते हैं। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, बच के रहिए। इतने जांच आजकल हो रहा है योगी सरकार में, आपने हर दिन सुनते होंगे इतने टीचर बाहर हो गए, इतने यहाँ बाहर हो गए। तो हम नहीं चाहते दोस्तों किसी भी बच्चे पर कोई भी केस हो तो आपको मतलब नौकरी पाने में दिक्कत हो। मतलब कहने का यही है कि आप लोग भाई केस के लफड़ों से दूर रहिए, सिंपल रहिए, नौकरी पा लीजिए, उसके बाद जो करना हो करिएगा। 1 साल का प्रोविजनल पीरियड पूरा हो जाए, उसके बाद जो भी आपको दादागिरी करनी हो, जो भी करनी हो, तो आगे देखिएगा। लेकिन फिलहाल अपने आप को सेफ रखिए, किसी भी पंगे में मत पड़िए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और उम्मीद करेंगे दोस्तों जो भी आप चाहते हैं कट ऑफ फाइनल वही लगे, चाहे वो 60-65 लगे, चाहे 40-45, जीत हमेशा सच की होगी, तो परेशान आपको नहीं होना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।